am I audible to you, बच्चे? यस हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में जब आपने देखना हो तो आपको स्ट्रक्चर में ये कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और उसके एक साइड पे एच अटैच हुआ हुआ नजर आएगा, और इस साइड पे क्या होगा, कोई भी आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड की पहचान है। ठीक है, एक तो ये पहचान है, दूसरी चीज आपको ये पता होगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो हमेशा एंड ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया ना, इसकी जगह कोई भी आर ग्रुप नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का, वो हमेशा एंड पे मौजूद होगा। तीसरा आपके पास इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने मॉलिक्यूलर, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना जिसमें आपको सी डबल बॉन्ड ओ एच दिखाई देगा, लेकिन इसकी थर्ड पहचान ये है कि इसको हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखें तो सी एच ओ लिखा हुआ नजर आता है, नॉट सी ओ एच, क्योंकि ओ एच किसकी पहचान थी, एल्कोहल की ना। ठीक है, तो ये एल्कोहल से सिमिलैरिटी से बचाने के लिए सी एच ओ ग्रुप आया है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स इसकी नेमिंग, हमने कैसे करनी है। नेमिंग हम हमेशा ये करते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है ना उसके आगे नल लगा देते हैं। अल्केन प्लस अल, अल्केन का ई हटा के उसके बजाय ए एल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेथेन, मैम सारे अल्कोहल्स नहीं है। इट इज नॉट ओ एल, ऑल नहीं है, ए एल है, ओके अल। ठीक है, तो इट बिकम्स मैथानल, लिख लिया। मैम अब देखो मैं मैथानल आपको लिख के दिखाती हूँ, मैथानल कैसे लिखा जाएगा। ये जो आर ग्रुप है इसकी जगह क्या डालना है, कौन सा ग्रुप डालना है, मैंने मैथ वाला ग्रुप डालना है। तो इट बिकम्स, अच्छा एक और चीज हमने देखनी है, हम अभी जो इसके अंदर कार्बन नंबरिंग है ना, वो हम कार्बन नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेथनल का मतलब है कि एक कार्बन होना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में। तो पूरे स्ट्रक्चर में देखो नवाल, की एक कार्बन है ना। ठीक है, तो हम और कार्बन नहीं अटैच करेंगे, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ठीक है, दिस वुड बी हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो वी रिक्वायर्ड वन कार्बन इन द मेथनल स्ट्रक्चर, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को नवाल फॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। और ये जो एंड्स होती है ना उनके डंग में पाए जाते हैं, जब चूंटी काटती है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारे बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, एथानल, मैम यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर में एक कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ एक हाइड्रोजन है, और तो उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप क्यों नहीं, अल्काइल रेडिकल आर। ये मैं आपको बता रही थी कि चूंकि हमें एक कार्बन सिर्फ चाहिए ना, राइट, मेथानल बनाने के लिए, तो वो एक कार्बन पूरा हो गया है। तो अब दूसरा क्या है, आर ग्रुप, हम आर तो नहीं लगा सकते ना, तो एल्डिहाइड में इस जगह पे एक हाइड्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज इट, क्लियर। अब देखो इसका इसका मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख के दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन पहले आएगा, ये जो आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगा है, और सी एच ओ वो इधर आ जाएगा। क्लियर। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स एथानल, तो एथ का क्या मतलब है, टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, दो। लेकिन पहले आप एल्डिहाइड वाला ग्रुप ड्रॉ कर लो, सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, एक कार्बन आ गया, तो दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, दूसरा कार्बन हम ले आएंगे, राइट। सो इट विल बी सी एच थ्री,
दिस इज योर सेकेंड कार्बन. क्लियर? यस मैम, क्लियर. अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ग्रुप पहले लिखेंगे और फिर हम एल्डिहाइड वाला ग्रुप डाल देंगे. C2H3COH. C2H3 कहाँ से आ गया? CH3 आ गया ना पहले. ये हम दो कार्बन इस पूरे स्ट्रक्चर में. ठीक है, एथनल है ना. एथ तो एथ मीन्स टू. तो मैम दो ही कार्बन है. हाँ तो दो होने चाहिए थे ना नवाल, वन एंड टू. तो पहले वाले तो मैम ग्रुप सी टू आएगा. नहीं 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 आप वैसे नहीं लिखोगे. आप इसको इस तरीके से लिखोगे, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखोगे, ताकि पता चले कि ये वाला ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड वाला इसमें प्रेजेंट है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, इसी तरह प्रोपानल की तरफ आ जाओ. तो प्रोपानल में तीन होने चाहिए. तो फर्स्ट कार्बन जो है वो ये वाला हो गया, एल्डिहाइड वाला. हमने फिर अब क्या करने, दो कार्बन अटैच करने हैं यहाँ पे. सो टोटल इट बिकम्स वन टू एंड थ्री, थ्री कार्बन एटम्स, राइट? सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बन गया? CH3, CH2, CHO. क्लियर? यस मैम, क्लियर.